हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सो आई एम हियर मेघा रावत। वीडियो भाई की डालूंगा। भाई अपना डोला दिखा दो। तो भाई कितनी मेहनत लगी इसमें? बहुत लगी। हेलो इंडिया, हेलो इंडिया, हेलो इंडिया, हैप्पी बर्थडे। हेलो इंडिया, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई अभी मैं ना दूसरे वाले घर में था, जहाँ पे सोनी दीदी का घर है। तो भैया मैं अभी तो सुबह उठ गए हम और चंडीगढ़ पहुंच गए थे हम कल। तो आपने देख ही लिया होगा व्लॉग। और नहीं देखा होगा तो मेरा व्लॉग देख लेना। नहीं नहीं, मेरा ही व्लॉग देखना, इनका तो बाद में देख लेना, ठीक है? अभी हम चलते हैं। सुबह कॉल आ गया था कि 8:30 बज गए, हमने नहा धो लिया बढ़िया करके। यहाँ पे पानी की टाइमिंग है ना भाई, हमारे वहाँ की तरह नहीं है कि मोटर चलाया पानी आ गया। तो यहाँ पे टाइमिंग है 2-3 घंटे की सुबह की, तो भाई उसी टाइमिंग में इकट्ठा करना पड़ता है। और टंकी तो है मगर दो तीन घंटे की है टाइमिंग, थोड़ी 2-3 घंटे की, 2-3 घंटे आता है पानी। अपना भाई ना भाई सब सारी लैंग्वेजेस बोल देता है ज्यादा से ज्यादा। तो भाई पंजाबी में कुछ बोलना चाहोगे आप? उधर नु सीधे जाएगा कुंडी ला वरना तेरे चंड पैने हले। और बिहारी में कुछ का खिलाऊ राजा, हम खाई दाल भात चोखा खाई के सो जाए। और पहाड़ी में तो दोस्तों अभी चलते हैं वहां को और दिखाते हैं आपको यहाँ के थोड़े शॉट्स। फाइनली मैं घर में आ चुका था और मेघा की शकल देखो। अभी एक तो भाई अभी एक राज पता चला है कि भाई यस भाई तू कुछ पहनता नहीं अंदर, क्या बात? मतलब सच है क्या ये बात? सच है क्या? सच है क्या सोनी दी? क्या नहीं पहनता है? यस भाई तू कच्चा नहीं पहनता? देखो यार चेक करो यार। कुछ 1-2 घंटे हो गए और 1 घंटे के बाद भाई हमने नाश्ता तक कर लिया था। और इसके बाद अब हम कहीं घूमने जा रहे हैं, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं चंडीगढ़। तो भाई बने रही मेरे आज के व्लॉग में, तो आपको देखने को मिलेगा बहुत ही अच्छे अच्छे शॉट और चंडीगढ़ के टूरिस्ट प्लेस। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सो आई एम हियर मेघा रावत एंड मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे भाई लोग उत्तराखंड से हैं, ट्रैवल द कबीरा गौतम रावत व्लॉग्स। तो भाई साइकिल देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है। भाई मेरे को साइकिल चलानी है, दे दो। ओए राजदा साइकिल। यहाँ पे हमारा यस भाई गाना गाने वाला है। एक गाना गा दो, एक लाइन गा दो सिद्धू मसाले की, जो गाना लाइन थी कोई खास एम नहीं जिंदगी दा, मैं टारगेट हाँ आबादी दा, मैं पावे अज मर जा चाहे कल मर जा, मैंने खौफ नहीं बर्बादी। बिल्लो ओ आ तेरा यार, बिल्लो ओ आ तेरा यार, ओ चल दा जो वड्डी वड्डी करा विच नी जीरा बोल पाला चोटी दिया नारा विच नी। राइड करने के बाद हम आ चुके हैं लंगर खाने। तो भाई अभी देखते हैं खाते हैं, फिर उसके बाद कहीं और भी जाएंगे। दोस्तों हमने थाली वाली ले ली है और यहाँ लंगर चल रहा है जो कि 24 आवर्स चलता है। वो देखो उनको देखो। देख सकते होंगे आप यहाँ पे कुछ जानवर है। ये देखो। तो हमें जैसे ही लंगर में बैठे और हमने कढ़ी और चावल खाया, कढ़ी चावल में दोबारा लेकर आया और भाई भी लेकर आया, लेकिन भाई को एक्स्ट्रा में ये मिला
और भाई को ये पता क्या मिला, ये है माता जी का भोग लगा हुआ और ये किसी किसी को मिल पाता है सुबह से लेकर शाम तक में एक बार है, तो ये किस्मत वाला। तो क्या हो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं हरियाणा हाईवे में एंड आप देख सकते हैं अब हमारा पेट्रोल भी भर गया है, सॉरी डीजल, डीजल भी भर गया है, पेट्रोल गिर लिया हमने। तो दोस्तों देखो इसका, ये है बुलेरो का कमाल। तो दोस्तों हम लोग सारे के सारे ना इस गाड़ी में भर गए क्योंकि बोट पी को काफी नीची गाड़ी है और उसमें अगर हम चढ़ते ना इतने लोग तो भाई ये लग जाती। तो अभी फिलहाल हम लोग इस गाड़ी से पहुंचेंगे नदी तक और अभी फोर्ड फिगो भी आ रही है तो वो तो बहुत ही नीचे है यार, देखते चढ़ती नहीं चढ़ती। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बुर्ज कोटिया जहाँ पे बंदे नहाते हैं, हमारे वहाँ पे गौला नदी कहते नहीं अमृतपुर, तो यहाँ पे ऐसा है तो यहाँ पे नीचे ऐसा करके झरना है तो देख सकते होंगे आप झरना। कैसा लगा आपको यहाँ पे नहा के? तो गाइस यहाँ मेरा मेकअप पूरा धुल चुका है और मैं पानी पानी हो गई। दोस्तों अभी गाड़ी चेंज करती है और जाएंगे अच्छी जगह जहाँ पे गहरा गहरा पानी है। वैसे तो ये यस कह रहा है कि गहरा गहरा पानी है, अब देख कर ही पता चलेगा कि गहरा है या नहीं है, तभी डूबेंगे भाई वरना नहीं डूबेंगे। अरे यार मेरा हाथ है यार, मैं अच्छा हुआ क्या ऐसा? अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम ऊपर ले जाओ तो नहीं पलट, सीट के बीच में रहने दे, अरे गाड़ी नहीं पलटती है, चार शायद उतर जाओ फिर हार्ट अटैक आ जाएगा। ये क्या है भाई? चैंबर में डक गई भाई। इंसेस्ट भाई गाड़ी अटक गई थी। अभी फिलहाल भाई तो हैवी ड्राइवर है, भाई तो अपना हैवी ड्राइवर है, कोई टेंशन। दो भाई ये देखो, तो दोस्तों अभी नहा लिया है और इसके बाद हम अपने घर को जा रहे हैं अब, और मज़ा आ गया है, गुन्नू भी सो गया है पूरा का पूरा, ठीक हो गया और कुछ रास्ता इस प्रकार। तो दोस्तों हुआ यूँ कि हम यहाँ पे रुक गए, पुलिस वाले ने हमें रोक दिया, हमारी जो दो गाड़ियाँ थी दो गाड़ियों में से जो एक बुलेरो थी, बुलेरो में मेघा ने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी, उसे वॉमिटिंग होने लग गई थी और उस फीलिंग बैड हो गया था, और हिली एरिया, तो हिली एरिया में वैसे पहनना भी कोई अलाउ है नहीं, वैसे उसने नहीं पहनी थी और ड्राइवर ने ज़रूर पहनी थी, लेकिन यहाँ पे भाई बंदों ने, ये जो पुलिस वाले थे हरियाणा पुलिस वाले, तो उन्होंने चालान बेफालतू में काटा और उनका काम भी है थोड़ा बहुत काटने का, मगर ये है कि भाई वो काट नहीं रहते, वो पैसे मांग रहे थे, उनका कहने का मतलब कुछ और था और वो चाह रहे थे कि और तो और जब हमारी ताई ने जब उनको बोला कि हम क्रेडिट कार्ड से ले लो, उनके पास क्रेडिट कार्ड की मशीन भी थी, लेकिन ये जो मशीन है वो सारा रिकॉर्ड कर लेती है, तो इन्होंने बोला कि भाई हमें कैश दे दो 1000 नहीं तो 500 दे दो, ये वो सो दे दो,
तो ऐसा वैसा जो हमारा भाई था ना सलीम भाई, बोला बेफालतू में पैसे ले रहे हो आप ये वो, तो ये पुलिस वाला ज़्यादा चढ़ने लग गया। तो उसके बाद बोला कि ये आपका वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, भाई के पास सब कुछ था, तभी भी भाई ये 1000 रुपये मांगने लग गए थे। फिर उसके बाद 500 में बात हो ही गई आखिर में। और ये जो 1 स्टार वाला बंदा था ना भाई, वो बहुत ही अजीब ही था, मतलब समझ नहीं पाया मैं क्या चाहता था। और आखिर में 500 रुपये देकर हो ही गया, मतलब यू की हमारा बहुत आज टूर तो बना, लेकिन थोड़े कांड हो गए, थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा घूमने में मजा आया। लेकिन अब भी तो हम जा रहे हैं जिम करने, जिससे हमें बहुत प्यार है, तो जिम चलते हैं। पिस्ता टूटे लेकिन जिम कभी ना छूटे। ये तो हेलो दोस्तों, अभी तो मैं पहुंच गया भाई के पास। तो भाई की वीडियो आपको कल देखने को मिलेगी, जो कल मैं अलग से पूरी सेपरेट वीडियो भाई की डालूंगा। भाई अपना डोला दिखा दो। तो भाई कितनी मेहनत लगी इसमें, बहुत लगी। तो भाई आज का ब्लॉग तो यहीं पे एंड होता है, मैं एक्सरसाइज करूंगा, घर जाऊंगा, आराम से थक जाऊंगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है भाई के साथ, और कल स्टार्ट होगा भाई के साथ। ठीक है, ओके बाय।